कैसे हो आप? ईश्वर की कृपा से आप सब ठीक ही होंगे। मैं लता शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो है हम कुर्ती में पलेटें कैसे डालें वो बताने जा रही हूँ, जिसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ से जो है जहाँ हमारा शोल्डर स्टिच है वहाँ से नीचे के लिए आप ये 14 इंच लेना है। आप उसको सूट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी नीचे को लेंथ लेनी है। मैंने जो इसमें जो है 14 इंच लेनी है, और 14 इंच यहाँ से भी दूसरी साइड से भी 14 इंच लेनी है। ये देखिए, यहाँ से जहाँ से हमारा गला बना है बिल्कुल यहाँ से सीधा नीचे को 14 पर निशान लगाना है। चौक का निशान ही लग रहा है, बॉल पेन से लगाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 पर जो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है, और अब यहाँ से जो मैंने सीधा ऊपर को जो 4.5 इंच पर निशान लगाना है। कितना लगाना है? 4.5 इंच पर जो मैंने इसमें इस तरह से निशान लगाना है, और 4 इंच जो है नीचे को लेना है बिल्कुल सीधा। दूसरी तरफ भी इसी तरह का हमने निशान लगाना है, 4.5 ऊपर को और 4 नीचे को। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए मैंने दोनों साइड निशान लगा दिए। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें जो है 1/2 इंच जहाँ पर हमारा 14 आया था यहाँ से गले से, वहाँ पर हमने 1/2 इंच इस साइड को लेना है, और 1/2 इंच पूरा 1/2 इंच दोनों साइड से 1/2 इंच लेना है। ले लिया, और अब यहाँ से इस तरह से जो है अच्छी तरह से इसको मिलाना है इस साइड से भी जहाँ पर हमारा, इस तरह से मिलाना है। दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही इसे मिलाना है। यहाँ पर हमने देखिए बिल्कुल गोलाई की शेप डालनी है। दूसरी साइड भी हमने ऐसा ही बिल्कुल निशान लगाना है। इस तरह से हमारा ये देखिए निशान इसमें इस तरह से लगेंगे, और अब हम इसे इस तरह से पकड़ कर इसमें जो सिलाई डालेंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर जो है हम पकड़ करेंगे, यहाँ पर इसमें डबल सिलाई कर देंगे इस तरह से, जो इसकी मैं दोनों साइड से जो है इस तरह से यहाँ से जो डबल सिलाई डाली हुई है मैंने दोनों साइड से, और ये देखिए बड़ी सुंदर सिलाई लगी। सीधी साइड से देखेंगे आप तो बड़ी सुंदर लगेगी। अब इसमें जो हम फिटिंग की सिलाई अलग देंगे, जो जितनी हमारी फिटिंग है वैसे देंगे। दोनों साइड जो हम ऐसे ही चुन्नटे डालेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।